हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के बारे में, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड, ठीक है। तो हमारा चैप्टर टू है थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस, यानी बेलनाकार सतह पर चूड़ियाँ। तो अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर की सभी वीडियो ना देखे हों अदर सब्जेक्टों की, तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की हम टॉपिक की बात करें तो बेलनाकार सतह पर चूड़ियाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपका 5 नंबर का तो आना ही आना है, ठीक है। कंपलसरी आपका निश्चित है, ठीक है। तो 5 नंबर आपका एग्जाम में पुट अप होगा इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन आपका पुट अप होता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो 5 नंबर आएगा वो किस किस प्रश्न के बारे में आएगा। देखिए, तो पहला जो आएगा वो आएगा डिफिनीसन से, ठीक है। डिफिनीसन किसी की पूछ देगा, ठीक है, मतलब जिस प्रकार का क्वेश्चन अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन होगा आने का वो होगा एंगल पर डिपेंड होगा, यानी किसी का भी कोण पूछ सकता है। जो थर्ड होगा वो किससे पूछेगा, तो जो थर्ड होगा वो किसी भी डेप्थ यानी गहराई और डायामीटर पूछ सकता है, यानी व्यास और गहराई पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करें फोर्थ, तो ये फोर्थ क्वेश्चन कैसा टाइप का आएगा, तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो होगा फार्मूला टाइप का पूछ लेगा, ठीक है। किसी भी फार्मूला, एक दो फार्मूला है कंपलसरी, ठीक है, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आना ही आना है। और जो 5 नंबर है, 5 नंबर, तो ये क्या है, न्यूमरल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमरल टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इसे जो न्यूमरल टाइप क्वेश्चन है इसे हम लोग लास्ट में देखेंगे वीडियो के, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों पर, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे सही से, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, चूड़ी में क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाली सतह को क्या कहते हैं। तो जो सरफेस है चूड़ी और रूट की, क्रेस्ट और रूट की, तो ये इसकी सतह क्या कहलाती है, तो ये फ्लाइंग कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप लोग वर्कशॉप में गए होंगे तो वहाँ पर क्या किए होंगे, थ्रेडिंग किए होंगे, ठीक है, यानी चूड़ियाँ काटे होंगे। तो चूड़ियाँ इस टाइप की सपोज कर लीजिए, ठीक है, और ये हमारी सेक्शन लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब जो ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट क्या है, ये जो शिखर, क्रेस्ट को बोलते हैं हिंदी में शिखर, ठीक है। तो ये हमारी क्रेस्ट होती है, और जो रूट होता है वो ये हमारी रूट होता है, ठीक है, ये हमारी रूट कहलाती है। तो इनको जो मिलाने वाली सतह होती है ये, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फ्लाइंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है। तो चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा शिखर कहलाता है, यानी क्रेस्ट, जैसा कि अभी हमने बताया है, ठीक है। तो क्रेस्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी की गहराई को मापने का सूत्र क्या है। तो चूड़ी की गहराई को मापने का सूत्र टी इक्वल टू डी माइनस, यानी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन टू, जहां पर कैपिटल डी जो है वो आकलित व्यास यानी नॉमिनल डायमीटर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इससे आप किसी भी चूड़ी की गहराई निकाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, ढिबरी यानी नट में किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो नट में इंटरनल थ्रेड्स कटी होती हैं, यानी आंतरिक चूड़ियाँ। आप लोग नट देखे होंगे, गोल गोल सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चूड़ियाँ कटी होती हैं अंदर, तो इंटरनल ही तो होती हैं, है ना, तो आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती हैं नट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट यानी काबुला में चूड़ियाँ किस प्रकार कटी होती हैं। तो यहाँ पर बाह चूड़ियाँ यानी एक्सटर्नल चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड। तो एक्सटर्नल थ्रेड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू चूड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो स्क्रू चूड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की स्क्रू चूड़ियाँ होती हैं, जो त्रिभुजाकार और वर्गाकार होती हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, त्रिभुजाकार को वी थ्रेड भी कहते हैं, यानी वी थ्रेड यानी वी चूड़ी, और जो वर्गाकार है उसे स्क्वायर थ्रेड भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वर्गाकार चूड़ी का कोण कितना होता है? ये जो कोण है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर रखा है, यही रखा होगा कहो, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन, तो वर्गाकार चूड़ी का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन बी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। परपेंडिकुलर भी कह सकता है, ठीक है, ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार चूड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन सी प्रकार की होती हैं देख लेते हैं। जो पहला है वो है नकल थ्रेड, यानी नकल चूड़ियाँ, ठीक है। दूसरा एक्मे, ठीक है, एक्मे थ्रेड। और तीसरा जो है बटरेस थ्रेड, ठीक है। तो इन तीनों को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन इस चूड़ियों का रूप नहीं है? तो कौन सा जो है चूड़ियों का रूप नहीं है? तो ऑप्शन डी सीएस थ्रेड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसडब्ल्यू थ्रेड का कोण कितना होता है? तो बीएसडब्ल्यू थ्रेड का कोण 55 डिग्री होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने एंगल के हैं इससे क्वेश्चन 100% रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे, एग्जाम आने पर रिवाइज भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसोमेट्रिक थ्रेड या यूनिफाइड थ्रेड, इसे यूनिफाइड थ्रेड भी कहते हैं, के बीच का कोण कितना होता है? तो इसके बीच का कोण 60 डिग्री होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन थ्रेड के बीच का कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री ये भी होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे ये हमारी कोई थ्रेडिंग है, तो इसके बीच जो एंगल है ये हमारी सेक्शन लाइन हो गई, ठीक है। इसके बीच जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के बीच का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन डी 47.5 डिग्री, ठीक है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिटिश एसोसिएशन यानी इसको बीए थ्रेड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बीए थ्रेड्स भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्मे चूड़ी का कोण कितना होता है? तो एक्मे चूड़ी का कोण 29 डिग्री होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरेस चूड़ी का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन बी 45 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 45 डिग्री इसका कोण हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे किस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं, इस टाइप की होती हैं, ठीक है, इस टाइप की। तो ये हमारा जो एंगल है ये 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी सेक्शन हो जाएगी, सेक्शन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चूड़ी वर्गाकार चूड़ियाँ तथा त्रिभुजाकार चूड़ियाँ का संयुक्त रूप है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बटरेस चूड़ियाँ, तो बटरेस थ्रेड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार चूड़ी प्रयोग की जाती है, तो वर्गाकार चूड़ी कहाँ पर प्रयोग की जाती है? तो स्क्रू जैक में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी कटिंग प्रक्रिया किस मशीन पर की जाती है? तो लेथ मशीन पर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी के खांचे की सबसे निचली सतह को, निचली सतह जो सरफेस होती है क्या कहलाती है, यानी इनर मोस्ट पोर्शन, तो ये क्या कहलाती है? जड़, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखते हैं, देखिए ये हमारी थ्रेड है और हम आपको बता चुके ये हमारी क्या है, रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलनाकार सतह पर काटे गए हेलिकल खांचे को क्या कहते हैं? तो इसे थ्रेड यानी चूड़ियां कहते हैं, ठीक है, थ्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चूड़ी का प्रयोग किस में करते हैं? तो चूड़ी का प्रयोग सभी में करते हैं, नट बोल्ट एंड स्क्रू, ठीक है, पेंच और काबुला और ढिबरी तीनों में ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
BSW थ्रेड का इस्तेमाल किसमें करते हैं? तो BSW का थ्रेड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में करते हैं। जैसे ये भी आपको आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसमें कौन सी चूड़ी का या थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं? तो BSW थ्रेड। अब BSW का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्मे चूड़ियों के लक्षण डैट डैश क्या है यानी, ठीक है। तो एक्मे चूड़ियों का जो लक्षण यानी करेक्टर है, तो ये क्या है, ट्रेपीजॉइडल इस टाइप के होंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि ये एक्मे चूड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नट या बोल्ट में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे लीड कहते हैं, ठीक है, लीड, इसे L से डिनोट करते हैं। इसे हिंदी में अग्रता भी बोलते हैं, तो अग्रता भी आ सकता है, ठीक है, लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS चूड़ी की गहराई किस सूत्र से प्राप्त करते हैं? तो इसे 0.6134P, ये हमारा फार्मूला है, BIS चूड़ी की डेप्थ है, तो D इक्वल टू 0.6134P। अब हमारी बात होती है पी क्या है, तो ये हमारी पिच है, ठीक है, ये हमारी पिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, जिसे हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। BSW चूड़ी की गहराई का सूत्र क्या है, ये को नहीं है, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, तो इसका सूत्र 0.64P है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पी बता चुके हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसको BA थ्रेड के नाम से भी जानते हैं, का व्यास कितना होता है? तो इसका डायामीटर कितना होता है? तो इसका डायामीटर 1.136P यानी पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, BA थ्रेड की गहराई क्या होती है? तो BA थ्रेड की जो गहराई होती है वो 0.6P, ठीक है, आपको 0.6 मल्टीप्लाई पिच भी लिखकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन थ्रेड की गहराई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 0.649P, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO मैट्रिक थ्रेड कॉमा अमेरिकन थ्रेड दोनों का आकलित व्यास कितना होता है? तो इन दोनों का आकलित व्यास 0.86P के बराबर होता है, तो आकलित व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इक्वल टू 0.86P। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार चूड़ी का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास 0.5P होता है, तो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्मे चूड़ी की गहराई क्या होती है? तो 0.5P प्लस 0.25 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है, तो आपको पिच दी होगी और 0.5 से गुणा कर देंगे, उसके बाद फिर कितना ऐड कर देंगे, 0.25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ मशीन के लेड स्क्रू सॉफ्ट में किस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो एक्मे चूड़ी का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार चूड़ी की पिच त्रिभुजाकार चूड़ी की पिच से क्या होती है? तो मोर देन होती है, अधिक होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चूड़ी वर्गाकार चूड़ी का रूपांतरित रूप है? तो एक्मे चूड़ी, नकल चूड़ी, ये दोनों ही कौन सी चूड़ी वर्गाकार चूड़ी का रूपांतरित रूप है, यानी इसे भी वर्गाकार चूड़ी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ही भाग है, किस चूड़ी का प्रयोग सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में यानी UK में किया जाता है? तो BSW थ्रेड, तो BSW थ्रेड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोतल की कैप और रेलवे कपलर में किस चूड़ी का प्रयोग होता है? तो जो बोतल की कैप होती है ऊपर, ठीक है, तो उसमें किस चूड़ी का प्रयोग करते हैं? तो नकल चूड़ी, तो ऑप्शन ए इज द
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ीदार बेलनाकार छड़ को क्या कहते हैं? तो इसे पेंच कहते हैं यानी स्क्रू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार चूड़ियों के बीच में बने खांचे को क्या कहते हैं? तो इसे हेलिक्स कहते हैं, जो स्लॉट बने होते हैं ना खांचे टाइप के, ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगर देख लीजिए जो बेलनाकार सतह है ना, अगर यहाँ पर शंकु आ जाए, कोन आ जाए, क्या आ जाए? कोन, तो उसके खांचों क्या कहेंगे? उसे स्पाइरल कहेंगे, ठीक है, जो ऑप्शन ए लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच तथा चूड़ियों के द्वारा दो वस्तुओं को आसानी से जोड़ने के लिए किस बंधन यानी फास्टनिंग का प्रयोग किया जाता है? तो अस्थाई बंधन यानी टेम्परेरी फास्टनिंग, ठीक है, टेम्परेरी फास्टनिंग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी की जड़ तथा शिखर के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको चूड़ी की गहराई यानी डेप्थ ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चूड़ियों के शिखर तथा अथवा जड़ के बीच की अक्ष के समांतर दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे पिच कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पिच बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड यानी अग्रता के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी, PL=P×N, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये तो श्योर रखा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो L=P×N, जहाँ L लीड है और P पिच है और N जो है नंबर ऑफ थ्रेड्स है, ठीक है, नंबर ऑफ थ्रेड्स, या इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपका, चूड़ी की पिच की आधी लंबाई को क्या कहते हैं? तो चूड़ी का ढाल कहते हैं इसे, ठीक है, यानी स्लोप ऑफ थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े व्यास तथा छोटे व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे पिच व्यास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यास की बेलनाकार सतह पर चूड़ियाँ काटी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो आकलित व्यास यानी नॉमिनल डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी के फ्लक्स अथवा तिरछी दीवारों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो एंगल ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, यानी चूड़ी का कोण, तो एंगल ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार सतह के आधार पर कितने प्रकार की चूड़ियों का प्रयोग होता है या किया जाता है? तो दो प्रकार की चूड़ियों का, ठीक है, दो प्रकार की चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है बेलनाकार सतह के आधार पर, ठीक है। ये जो बेलनाकार सतह के आधार पर चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है तो कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स और इंटरनल थ्रेड्स, आंतरिक चूड़ियाँ, बाह चूड़ियाँ और आंतरिक चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलनाकार छड़ की ऊपरी सतह पर बनी चूड़ियों को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बाह चूड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी में सेक्शन लाइन किस कोण पर खींची जाती हैं? तो ये 45 डिग्री का कोण पर खींची जाती हैं। जैसे देखिए ये हमारी चूड़ी है और जो हमें सेक्शन लाइन खींचना है ना, ये हमारी 45 डिग्री पर क्या होंगी? झुकी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक चूड़ियाँ और बाह चूड़ियों में सबसे अधिक समय किसमें लगता है? तो इंटरनल थ्रेड्स में सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि वे अंदर होती हैं, ठीक है, बाहर में जल्दी से बना लेते हैं और इसमें देर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के प्रोपेलर और बढ़ई के वाइस तथा जैक और बंदूकों के जो ब्रिज ब्लॉक यानी ब्रिज लॉक्स में किस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस चूड़ी का प्रयोग होता है? तो इसमें बट्रेस थ्रेड्स जो है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानी की टोटी के स्पिंडल और टूथपेस्ट कैप यानी टूथपेस्ट जो कैप होता है, टोपी होती है उसकी ढक्कन, तो उसमें किस चूड़ी का प्रयोग होता है? तो इसमें किस चूड़ी का? बटरस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चूड़ी में पिच जो होगी वो लिड के बराबर होगी? तो कौन सी चूड़ी है जिसमें पिच और लिड बराबर होती हैं? तो सिंगल स्टार्ट चूड़ी, इसे इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। जो सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स है वो पिच के पिच बराबर यानी लीड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चूड़ी में लीड बराबर 2 × पिच तब चूड़ी क्या कहलाती है? तो ये डबल स्टार्ट थ्रेड्स कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पारेषण के लिए किस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो शक्ति पारेषण के लिए किस चूड़ी का प्रयोग होता है? तो वर्गाकार थ्रेड्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोल्ट या चूड़ी की विशेषता किसके द्वारा बताई जाती है? तो ये पिच और आकलित व्यास यानी पिच पी और नॉमिनल डायमीटर के द्वारा ही बताई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसी के द्वारा आप बता सकते हैं कि ये थ्रेडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि न्यूमरल टाइप है, ठीक है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेगा और ना ही बनाने को आएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव में बनाने को नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि BA जो BA थ्रेड है उसकी पिच दी हुई है 7 मिलीमीटर है, तो इसकी डेप्थ क्या होगी? तो इसकी गहराई कितनी होगी वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमें P = दिया है, कितना दिया है? 7 mm, ठीक है। अब जब P = हमें दिया है और कह रहा है BA थ्रेड है, ये भी देखिए BA थ्रेड, तो इसकी गहराई कितनी होती है? अभी हमने ऊपर बताया है, तो इसकी जो डी जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है? 0.6 P, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, अगर आपको याद नहीं है तो ये भी क्वेश्चन आपका एक नंबर गया, ठीक है। तो देखें, जो PD = हो जाएगा 0.6 × 7, तो कितना हो जाएगा? 4.2 mm। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। यदि वर्गाकार चूड़ी की पिच 16 mm हो तो इसकी गहराई यानी डेप्थ फाइंड आउट करना है, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। डबल स्टार्ट चूड़ी में लिड होती है, तो लिड कितनी होती है? तो 2P होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।